हेलो, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB MotoVlogs। तो यार आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी हीरो एक्सपल्स 200 का माइलेज टेस्ट। और इस माइलेज टेस्ट को हम करेंगे सिटी कंडीशंस के हिसाब से। देखो, जैसे हमें अपनी सिटी में जब घूमना होता है तो हमें हर तरह की रोड में जाना होता है। जैसे हमें मार्केट भी जाना होता है, हमें ट्रैफिक में भी जाना होता है, हमें गली मोहल्लों में भी जाना होता है, हमें खड्डों मड्डों वाली खराब सड़क पर भी जाना होता है, कभी अच्छे रोड पर भी जाना होता है। तो आज का जो हम माइलेज टेस्ट करेंगे इसे हर तरह की रोड कंडीशन में करेंगे। और बाकी इसका माइलेज निकालने का प्रॉपर तरीका यह है कि जैसे अभी मेरी बाइक का पेट्रोल ऑन में चल रहा है, तो जैसे ही वो रिजर्व में आएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि नॉब को ऑन में ही रहने के, रिजर्व में नहीं डालेंगे। ऑन में पूरी तरीके से पेट्रोल ख़त्म हो चुका होगा, तो ठीक उस वक्त हम उसमें करेक्ट 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे और ट्रिप मीटर को उसको ज़ीरो कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से बाइक चलाना शुरू करेंगे और पूरी ऑन में जितनी भी चलेगी, जब दोबारा रिजर्व में आएगी तो जितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा वो हो गया इसका माइलेज। तो चलते हैं, माइलेज टेस्ट कर लाते हैं। तो फाइनली बाइक बंद हो गई है ऑन में। तो अब डालते हैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल। वन द बैग में पेट्रोल होगा, तो यह है इसमें 1 लीटर पेट्रोल पूरा भरा हुआ है 1 लीटर की बोतल में। तो ये करेक्ट 1 लीटर पेट्रोल इसमें पड़ गया है, डाल दो इसको इसी में वापस। ऑल राइट, तो ये मीटर है, इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये हो गया है ट्रिप मीटर ज़ीरो पे, ट्रिप वन वाला है ज़ीरो पे, बाइक ऑन में ही है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका माइलेज। स्पीड हमारी यही चल रही है 40-50-60 के बीच। ये अभी हम थोड़ा सा हाईवे में आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा आए हैं हम अभी ख़राब सड़क में, हल्की फुल्की ख़राब है बस। यहाँ है बारिश से ख़राब सड़क। तो ये पहुंचे हम हैवी ट्रैफिक में। तो ये एक बार फिर से हम हैं सिटी ट्रैफिक में। देखो यहाँ का ट्रैफिक, तो ठीक है अब सीधे मिलते हैं जब बाइक दोबारा रिजर्व में आएगी। फ़िलहाल ये 28.3 किलोमीटर चल गई है, तो 39.2 किलोमीटर हो गए हैं। अब कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 40 तो आना चाहिए फर्स्ट सर्विस से पहले। कितना चलाऊँ यार, 40 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, अभी भी बंद नहीं हो रही है। ओके, तो ये फाइनली बंद हो गई, हमने फुल रेस दे रखी है। ओह, अब हम देखते हैं। तो हमारी बाइक का माइलेज हुआ, आप अच्छे से देख सकते हो, 46.2 किलोमीटर आ रहा है। बहुत से लोगों का 37-40 टाइप से आ रहा है, मेरा आया 46.2 किलोमीटर। मैंने एक प्रॉपर तरीके से एवरेज निकाला है, बाइक जब ऑन में चल रही थी, ऑन में चलते चलते रिजर्व में आई, उसके ठीक बाद मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला है और ऑन ही में इसको चलाई। उसके बाद दोबारा अभी ये रिज़र्व में आया है 46.2 किलोमीटर पे।
ऑल राइट, तो फाइनली इसका माइलेज निकल कर आया है 46.2 किलोमीटर और ये फर्स्ट सर्विस से पहले का माइलेज है। बड़ा अच्छा माइलेज आया यार, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा था 40 के आसपास आ जाएगा, 40-42, लेकिन ये आ गया 46, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है। मैंने गाड़ी एक तरीके से चलाई है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध रौंदी। मार्केट में 20, 30, 40 सब चल रही थी, जहाँ खुली रोड थी 50-60 तक भी जा रहा था। उससे ऊपर मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि अभी नई नई गाड़ी है, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तो ज़्यादा हम इसको तेज नहीं चलाते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। तो एक सही एवरेज स्पीड से चलोगे तो गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ कहना या पूछना हो तो कमेंट कर लेना। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जाके कुछ पुराने वीडियोस देख लो, अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।